आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज का टॉपिक है ग्रेडियंट ऑन रोड। ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट का मतलब होता है ढाल। तो रोड पे ढाल कब देते हैं? जब एक लेवल से दूसरे लेवल पे पहुंचना होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए एक लेवल है, ये थोड़ा नीचे है, ये थोड़ा ऊपर है, तो ये जो गाड़ी है इसको इस लेवल से इस लेवल पे जाने के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा, तो ये ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे इस पर, तब यहाँ पे ये गाड़ी पहुँचेगी। तो ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट होता है राइज और फॉल। ठीक, जैसे ये राइज हो रहा है, ये इधर से गाड़ी मूव करेगी तो ये फॉल होगा, तो ये राइज और फॉल रोड के लेंथ के अलोंग, ठीक, और हॉरिजेंटल के रिस्पेक्ट में। कैसे? जैसे कि मान लीजिए ये हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक, अब आप देख रहे हो कि यहाँ तक की लेंथ जो है, यहाँ से यहाँ, ये आपकी ग्रेडियंट, ठीक, ये एक ग्रेडियंट है, ये दूसरी ग्रेडियंट। तो ये ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है आपकी 100 मीटर, ठीक। तो आप देख रहे हो कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इस ट्रायंगल को हम लोग ऐसे लिखें, तो ग्रेडियंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये 100 आपका क्या हो गया? हॉरिजेंटल यूनिट। और ये जो लेंथ है, मतलब हम लोग प्रोवाइड किए हैं 1 यूनिट, ठीक, मान लीजिए ये 1 मीटर। ये लेंथ जो है हॉरिजेंटल लेंथ, ये 100 मीटर। ये जो वर्टिकल लेंथ है वो है आपकी 1 मीटर। ये बस एग्जांपल के तौर पे समझा रहे हैं। और ये है 1, ये आपकी वर्टिकल यूनिट। तो ये यही है रिप्रेजेंटेशन ग्रेड का, ग्रेडियंट का रोड पे। और ये जो एंगल बनता है, ये अल्फ़ा ले लेते हैं। इस एंगल को हम लोग कहते हैं डेविएशन एंगल, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो डेफिनेशन उसकी ग्रेडियंट की यही है कि राइज एंड फॉल जो हो रहा है अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल, मतलब हॉरिजेंटल जो ये हॉरिजेंटल लाइन है उसके रिस्पेक्ट में जो रोड में राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है वो आपकी होती है ग्रेडियंट, ठीक। अब जो असेंडिंग ग्रेडियंट है, यानी जो ग्रेडियंट जो ढाल ऊपर की तरफ जा रही है वो पॉजिटिव होती है, जो ढाल नीचे की तरफ जा रही है, जैसे एक डायग्राम से समझा रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये रोड है, गाड़ी चल रही है इस पर, अब यहाँ पे एक पड़ा ग्रेडियंट जो कि असेंडिंग है, फिर उसके बाद थोड़ी दूरी पर पड़ा ये डिसेंडिंग ग्रेडियंट, यानी ये स्लोप जो है ये किधर जा रहा है? अपवर्ड की तरफ। तो ये आपका हो गया, ये पॉजिटिव स्लोप है, ये N1, ठीक, ये आपका हो गया ये नेगेटिव स्लोप, ये माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्लोप बना, ये आपका जो असेंडिंग ग्रेडियंट है वो है पॉजिटिव होता है, इसको N1 अरे पॉजिटिव होता है, प्लस N1 से शुरू करेंगे या प्लस N से, जो डिसेंडिंग है जो कि नीचे की तरफ जा रहा है उसको माइनस N1 से या माइनस N से शो करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जो ये एंगल बन रहा है ये आपका होता है डेविएशन एंगल, ठीक। तो ये था ग्रेडियंट। अब कितने टाइप के ग्रेडियंट होते हैं? पहला है रूलिंग ग्रेडियंट, दूसरा लिमिटिंग ग्रेडियंट, तीसरा है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट और चौथा है मिनिमम ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है? तो रूलिंग ग्रेडियंट जो होती है वो मैक्सिमम ग्रेडियंट होती है, ठीक, किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? सबसे पहले एक जो सरफेस है लैंड की, सरफेस पे डिपेंड करेगी, जो गाड़ी की पावर है व्हीकल पावर और
ये हॉरिजेंटल कर्व, जैसे आप देखते होगे पहाड़ों पे जो रास्ता बनाते हैं उस पे तो ऐसे ग्रेड भी होता है, ऊपर की तरफ गाड़ी आती है, कर्व पे जाती है, घूमती भी है, तो हॉरिजेंटल कर्व पे भी डिपेंड करता है। तो ये जो मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो जनरली जो रूलिंग ग्रेडियंट होता है वो फ्लैटर रीजन के लिए होता है। फ्लैटर रीजन में होता है कि ये जो पहाड़ी इलाके हैं उनसे अलग होता है, तो उसमें ज़्यादा स्टीप स्लोप्स नहीं होते हैं, तो मैक्सिमम ग्रेडियंट वहीं प्रोवाइड करते हैं। अब जो लिमिटिंग ग्रेडियंट होता है वो तब प्रोवाइड करते हैं जब रूलिंग ग्रेडियंट की कॉस्ट ज़्यादा आती है। ठीक, जैसे कि आप मान लो ये लेवल है, ठीक, और ये दूसरा लेवल है। अब इस लेवल से इस लेवल पे जाने के लिए हम हल्का सा ग्रेडियंट दें, ठीक, ज़्यादा स्टीप ग्रेडियंट ना दें, तो इसमें कॉस्ट लागत बहुत ज़्यादा आएगी, लेंथ क्योंकि रोड की बढ़ जा रही है। अब क्या करते हैं लिमिटिंग ग्रेडियंट में, ये क्या करते हैं कि ये ऐसे बना दिया इसको, थोड़ा स्टीप हो गया, तो इसकी लेंथ कम हुई रोड की और कॉस्ट भी कम हो जाएगी, तब जो लागत है रोड बनाने में। तो लिमिटिंग ग्रेडियंट हिली रीजन्स के लिए ही यूज़ करते हैं। अब तीसरा है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट तब प्रोवाइड करते हैं जब रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जैसे मान लीजिए ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो उसको पार करने के लिए हम लोग को एक एक्सेप्शनल ग्रेडियंट देना पड़ेगा, तो ये काफ़ी स्टीप भी हो सकता है। ठीक, चौथा है मिनिमम ग्रेडियंट। मिनिमम ग्रेडियंट वो होता है जो कि हम लोग शहर की जो सड़कें हैं उसमें प्रोवाइड करते हैं मिनिमम ग्रेडियंट। ये होती है कि जैसे मान लीजिए ये रोड की सरफेस है, ठीक, और ये जो नाली साइड ड्रेन्स रहती हैं, साइड ड्रेन्स नालियाँ, ये उनका लेवल है और ये रोड लेवल है। अब क्या होता है कि अगर जो रोड का लेवल है, ठीक, और जो नाली का लेवल है, अगर उसके बीच ज़्यादा गैप हो जाता है, जैसे कि जो रोड का लेवल है ये, उसमें हम लोग ग्रेडियंट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक, लेकिन नाली में तो ग्रेडियंट प्रोवाइड करना पड़ेगा कि पानी आसानी से बहे। तो अगर रोड के लेवल पे हम लोग ग्रेडियंट नहीं प्रोवाइड करते हैं और ये नाली की बेड लेवल है, ये काफ़ी नीचे होता चला जाएगा, कुछ दूरी तक काफ़ी ये गैप बन जाएगा, काफ़ी डिस्टेंस हो जाएगी, जिससे जो बरसात का पानी होगा बहुत तेज़ी के साथ इस ड्रेन्स में गिरेगा, जिससे सड़क की सरफेस ख़राब होगी, उसकी शोल्डर्स ख़राब होगी, पेवमेंट ख़राब होगा। तो मिनिमम ग्रेडियंट देते हैं, ये नाली के साथ साथ इसको भी स्लोप प्रोवाइड करते हैं रोड को, कि रोड की सरफेस अच्छी बनी रहे। तो ये था आज का लेक्चर ग्रेडियंट ऑन रोड। आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए। थैंक यू।